देखिए पिताश्री, आप मेरा एक निवेदन सुनिए। आपने अपना दिया हुआ वचन टूट जाने दिया कि आप मुझे ही युवराज बनाएंगे। मैं चुप रहा, आपने उस युधिष्ठिर को युवराज बन जाने दिया, मैं उस पल भी चुप रहा। मेरे कहने से मेरे और भाइयों को तो छोड़िए, मेरा प्रिय अनुज भी बिल्कुल चुप रहा, परंतु अब हमारी चुप रहने की सीमा समाप्त होती है।